Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new here, my name is Antima Dubey. I make videos on makeup, fashion and lifestyle. So I'm back with another haul video. And today I'm going to share with you Meesho Kurti haul. ये मेरा second Meesho haul है. First Meesho haul मैंने last year किया था. And उस time मैंने आपको बताया भी था कि Meesho मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया. So मुझे लगा क्यों ना Meesho को second chance दिया जाए. तो कुछ कुर्तीज मैंने Meesho से order की. जितनी भी कुर्तीज़ हैं ना बहुत ही ज़्यादा समर अप्रोप्रिएट हैं, लाइट कलर है इनका, कॉटन फैब्रिक है, इसी तरह की कुर्तीज़ लोग समर में पहनना पसंद करते हैं. लेकिन Meesho पे कुछ भी ढंग का ढूंढना ना बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. मतलब इन कुर्तीज़ को ढूंढते हुए, ऑर्डर करते हुए एंड रिसीव करते हुए मुझे पूरा का पूरा एक महीना लग गया. कुछ तो ये लेट डिलीवर भी करते हैं. एंड मुझे लगता है ना कि मैं अगर कुछ ऑर्डर कर रही हूँ कहीं से तो सिर्फ हॉल वीडियो करने के लिए ऑर्डर नहीं करूँ, उसको यूज़ भी करूँ. एंड अगर मैं आपको कुछ रिकमेंड कर रही हूँ तो एटलीस्ट वो आपके यूज़ करने के लायक भी हो. तो इस वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग गया. बट देर आए दुरुस्त आए जो भी है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू वीडियो. ऑल राइट गाइज, तो सबसे पहली कुर्ती जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो है ये लेमन येलो कलर की कुर्ती, जिसका प्राइस है 587 रुपीज़ एंड ब्रांड का नाम है न्यासा. और इसका जो फैब्रिक है वो रियॉन फैब्रिक है. इस पर वाइट कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी हुई है. लुक इसका ऐसा लगेगा कि लखनवी चिकनकारी जो होती है, जो लखनवी कुर्तीज़ होती है वैसा लगेगा. बट ये रियल लखनवी चिकन एम्ब्रॉयडरी नहीं है, क्योंकि जो चिकन एम्ब्रॉयडरी होती है ना वो हैंड से होती है और ये मशीन से एम्ब्रॉयडरी हुई है. लुक इसका वैसे ही आएगा. हाथ पे भी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बॉटम पे भी है. सब कुर्तीज़ की पिक्चर या वीडियो मैं यहाँ साइट पर लगा दूंगी. और इसका ना कोड आता है, Meesho का लिंक नहीं आता है, वो कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अगर इसमें से कोई भी कुर्ती आपको पसंद आती है तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं. ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है. जो भी कुर्तीज मुझे पसंद आएगी मैं आपको साफ साफ बोल दूंगी कि ये अच्छी है. जो मुझे नहीं पसंद आएगी मैं आपको बोल दूंगी कि नहीं ये अच्छी नहीं है. इस कुर्ती के साथ आपको व्हाइट कलर का पैंट सेट भी मिलेगा एंड इसके बॉटम पे यहाँ पे लेस लगी हुई है आप देख सकते हैं. इसका फैब्रिक भी रियॉन है. इसकी पैंट की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि पैंट मुझे लगता है हमेशा थिक फैब्रिक से बनाना चाहिए. अगर पैंट का फैब्रिक थोड़ा सा लाइट है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, टांगे उसमें दिखती हैं, जो कि उतना अच्छा नहीं लगता. लेकिन कुर्ती जो है ये अनारकली का लुक है, मतलब आपके बॉटम तक आएगी तो आपका लेग जो है वो इतना ही दिखेगा. सो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आएगी. मतलब जो मैक्सी ड्रेस की लुक होती है ना इस कुर्ती की, वैसी ही लुक है. अच्छा, दूसरी जो कुर्ती है वो है ये टर्कवाइस कलर की कुर्ती, जो कि इसमें थोड़ा सा कलर डिफरेंट आ रहा है. आई डोंट नो, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है. ये टर्कवाइज कलर की कुर्ती है. इसके फ्रंट पे भी वाइट कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी हुई है, जो कि कुछ कुछ इसी की तरह है, मतलब लाइक सिमिलर है. बट इसका जो नेक है ना वो केप कॉलर है एंड यहाँ पे बटन लगी हुई है, बट इसमें बटन नहीं लगी हुई है. और इसकी लेंथ भी बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि मैंने बोला, बिल्कुल मैक्सी ड्रेस की तरह इसकी लेंथ है. और इसका फैब्रिक जो है वो भी रियॉन ही है. और इसका जो प्राइस है मैं आपको बता देती हूँ, इसका प्राइस है 379 रुपीज़, मतलब 380 रुपीज़ में आपको कुर्ती मिलेगी. इसमें दो कलर आएंगे, एक तो ये टर्कवाइज कलर, दूसरा पिंक कलर आएगा. और ये कुर्ती भी मुझे मतलब लाइक काफ़ी अच्छी लगी, डिसेंट सी लगी, क्योंकि इसका प्राइस आप देख रहे हो 380 रुपीज़ है सिर्फ. इसमें कोई भी पैंट वैंट आपको नहीं मिलेगा, सिंगल आपको ये कुर्ती मिलेगी. एंड यहाँ पे ना गोल्ड कलर के जरी से भी थोड़ा थोड़ा एम्ब्रॉयडरी को आउटलाइन किया गया है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर लगती है. और थर्ड कुर्ती जो है वो है ये कुर्ती. इस कुर्ती को आपने मुझे एक दो वीडियो में देखा भी होगा, आई थिंक एक वीडियो तो आ चुकी है, दूसरी वीडियो मुझे याद नहीं है आई है कि नहीं. ये कुर्ती जो है ये स्ट्रेट कुर्ती है, यहाँ पे उड की बटन लगी हुई है, केप कॉलर है इसका और यहाँ पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है. अच्छा, जिस कुर्ती में ऐसे साइड में एक तरफ एम्ब्रॉयडरी हुई रहती है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. वैसे ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये बीड वर्क है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बीट्स वर्क यहाँ पे हुआ हुआ है. इसका फैब्रिक भी रियॉन है. और इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, इसका प्राइस है 511 रुपीज़. और ये कुर्ती
500 वर्थ नहीं करती है, अगर सच बोलूं मैं। 500 रुपए की ये कुर्ती जो है, 500 रुपए में आपको एक डिसेंट क्वालिटी की कुर्ती मिल जाएगी। इसकी स्टिचिंग वगैरह और यू नो उतनी ज़्यादा डिसेंट नहीं है। स्लीव आप देख सकते हैं, इस तरह की स्लीव है। एंड रियोन फैब्रिक में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बिना आयरन किए आप उसको नहीं पहन सकते, मतलब अगर एक बार वॉश कर दिया ना तो उसकी कंडीशन क्या ही मैं बताऊँ। बट कम्फर्टेबल होती है समर में काफ़ी ज़्यादा, राइट। और थर्ड कुर्ती जो है वो है, इस बार ना मैं देख रही हूँ, ऑनलाइन भी देख रही हूँ एंड ऑफलाइन स्टोर जो होते हैं लाइक मैक्स वगैरह में गई थी और वेबसाइट वगैरह भी मैं गई थी, तो स्ट्राइप्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। लाइक स्ट्राइप्स जहाँ पर भी देखो, कुर्तीज़ में या मेंस वियर में भी मैं देख रही हूँ। टी शर्ट वगैरह जो आती है, मैंने ब्रदर के लिए एक दो टी शर्ट ली थी, सो उसमें भी स्ट्राइप इस तरह से या इस तरह से स्ट्राइप बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो मीशो पर भी मुझे इस बार स्ट्राइप देखने को बहुत ज़्यादा मिला। एंड जो फोर्थ कुर्ती है वो है ये ब्लैक कलर की कुर्ती। ये कुर्ती मुझे थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि ये थोड़ी सी ना प्रोफेशनल सी लग रही है, लाइक अगर आप ऑफिस वगैरह के लिए पहनेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। इस कुर्ती का भी जो लेंथ है ना वो उसी तरह है, यहाँ पे आपको गैदर्स मिल जाएंगे, फ्लोर लेंथ मिलेगी अगर मेरी हाइट है, अगर आप मेरी हाइट से बड़े हो तो ये एंकल लेंथ आएगी, सो देख लेना। एंड मीडियम साइज़ है, मैंने जितनी भी कुर्तीज़ दिखाई आपको सबका साइज़ मीडियम है क्योंकि मुझे मीडियम ही आता है। और इसका जो प्राइस है ना वो है, मैं आपको बता दूँ, इसका प्राइस है 351 रुपीज़। बट ट्रस्ट मी गाइस, 350 रुपये में आपको एक बहुत ही अच्छी कुर्ती मिलेगी। और इसमें आपको कोई पैंट वेंट नहीं मिलेगी, इस तरह की बटन है जो कि आपके नीचे तक जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये फ्रंट से ओपन होगी बट फ्रंट से ये ओपन नहीं होगी। एंड राउंड इसका नेक है और इसका जो फैब्रिक है वो बिल्कुल कॉटन है और थिक कॉटन है, लाइक जैसे रियॉन जो पतला सा होता है वैसा नहीं है। इवन मैंने इसको आयरन भी नहीं किया है वॉश करने के बाद, बट आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट लग रही है। ग्रे एंड ब्लैक कलर है इसका। ये कुर्ती मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है पूरे कलेक्शन में। एंड जो नेक्स्ट कुर्ती है वो है ये कुर्ती, एंड ये कुर्ती और ये जो ब्लैक वाली कुर्ती है ना ये सेम ब्रांड की है। आप देख सकते हैं इसका जो लेबल है उससे पता चल रहा होगा कि ये सेम ब्रांड की है। और इसका कलर जो है बहुत ही समरी कलर है, आप देख सकते हो, मतलब समर में ना थोड़ा सा कूल कूल सा, यू नो, बहुत ही फ्रेश फीलिंग आएगी। इसकी लेंथ भी जो है वो इस तरह से है, मैक्सी जो ड्रेस होती है उसी तरह से है, स्ट्राइप है, डबल स्ट्राइप है, थोड़ा सा शर्ट वाला जो लुक होता है ना वैसा देखने में लगेगा, बट पहनने के बाद ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। अच्छा, ये कुर्ती और जो दूसरी कुर्ती है ना, ये जो मैंने पहन रखी है, इसका जो पैंट है, इसका जो पैंट है इसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस पर वाइट पैंट ही लगेगा। और इसका जो प्राइस था वो मैं आपको बता दूँ, इसका प्राइस था 350 रुपीज़। मतलब अभी तक मैंने जितनी भी कुर्तीज़ आपको दिखाई है ना, सिर्फ एक ही कुर्ती 500 की आई है जिसकी क्वालिटी मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आई, और जो 300-400 की कुर्तीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। इसका भी फैब्रिक मोटा सा है, कॉटन स्लब है, स्लब जो होता है लाइक ना ये थोड़ा सा आपको ना फेक लिलन वाला ना फील देगा, जो जिसमें थ्रेड ऐसे दिखते रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं होते हैं, तो वैसा सा इसका थ्रेड लगेगा, तो काफ़ी रिच लुक आएगी इसमें। और ये कुर्ती भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इस कुर्ती को भी आप डेफिनेटली ले सकते हैं। और जो नेक्स्ट कुर्ती है वो है ये कुर्ती, ये कुर्ती भी ऑफिस वियर के लिए काफ़ी अच्छी लगेगी। साइज़ इसका मीडियम है और स्लीव इसकी इस तरह से है, इस तरह से स्लीव है इसकी। कलर इसका वाइट एंड ग्रे सा कलर है, ग्रे ब्लैक आप बोल सकते हैं। और ये जो ये कुर्ती जो है ना ये स्ट्रेट कुर्ती है, ये फ्रॉकी स्टाइल नहीं है इसका, मतलब मैक्सी ड्रेस नहीं है, ये केप कॉलर है इसका, आप देख सकते हैं। और फैब्रिक जो है वो बिल्कुल कॉटन, मतलब प्योर कॉटन जो होता है ना वैसा सा है, अगर आप देख सकते हैं आपको पता चलेगा। और ये इसका फैब्रिक भी थोड़ा सा वही मैंने जो बोला ना फेक लिलन वाली फीलिंग आती है वैसा से ही है, कॉटन स्लब ही है। और इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, इसका प्राइस है 385 रुपीज़, मतलब लाइक 400 के अंदर ये भी है। ये भी आप ऑफिस वगैरह के लिए काफ़ी अच्छे से पहन के जा सकते हैं, यहाँ पे बटन्स वगैरह लगी हुई है। सो ये कुर्ती भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और लास्ट कुर्ती जो है वो है ये कुर्ती, ये कुर्ती मैंने अपने मॉम के लिए ली है और बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती है, इस तरह की स्लीव है, इसका भी फैब्रिक कॉटन है, स्ट्राइप्स हैं और
इसका जो प्राइस था मैं आपको बता दूं, इसका प्राइस है 370 रुपीज़। 370 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी कुर्ती आपको मिल जाएगी और इसका फैब्रिक भी मुझे बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही कंफर्टेबल है इसका फैब्रिक। लेंथ इसकी पूरी है, ऐसा नहीं है मीडियम साइज़ है, बट लेंथ ना काफ़ी अच्छी दे रखी है, पूरे अच्छे तरीके से इन्होंने फैब्रिक का यूज़ किया है। कुछ लोग ऐसे जो लेंथ देते हैं फ्रंट ना बहुत ही पतला सा ऐसे दे देते हैं, जो कि अजीब सा लगता है, मतलब दोनों लेग्स के बीच में वो कुर्ती जाती रहती है, तो ऐसा नहीं है। ये कुर्ती भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अच्छा, जितनी भी कुर्तीज़ ली हैं ना मैंने, उन कुर्तीज़ में से मुझे सारी ही कुर्तीज़ अच्छी लगी, बट ये जो कुर्ती है बर्गंडी कलर वाली, ये कुर्ती मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो आई थिंक मैं इसको नहीं बोलूँगी कि आप 500 में ये वाली कुर्ती ले, बाकी की सारी कुर्तियाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप उनको ले सकते हैं, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर देना। बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।